सोलन में ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने की। इस मौके पर यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल में जल्द ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध किया जाएगा। ये विरोध दो दिनों तक चलेगा, जिसमें भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार में मजदूरों और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ प्रदेश की 10 ट्रेड यूनियनें 8 और 9 तारीख को हड़ताल करेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो वायदे मजदूरों और कर्मचारियों को किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज महंगाई अपने चरम पर है, न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। हमारी जो 8-9 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, हिमाचल प्रदेश में भी हम उस हड़ताल को करने जा रहे हैं, और वो हड़ताल जो है मजदूर और कर्मचारियों की मांग को लेकर है। हम ये कहते हैं 18,000 रुपया आपको हमें न्यूनतम वेतन देना चाहिए, जबकि और इसके अलावा हम कहते हैं कि आउटसोर्स जो आपने एक प्रथा चला दी, वो प्रथा जो है विकास का जो काम हो रहा है या जो लोकहित के काम होने हैं उन तमाम के लिए एक खतरनाक है, और जो हमारा लेबर लॉ है उसको बदलने की जो साजिश है उसके विरोध में हड़ताल है। जो 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है उसके विरोध में हड़ताल है। महंगाई के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है, बेरोजगारी के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है, किसानों के जो उनके साथ वायदे किए थे सरकार ने वो वायदे पूरे ना करने के लिए उसके विरोध में हड़ताल की जा रही है।